बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। ई मैगजीन इज अ वे कि हम लोग सक्सेस स्टोरीज लेते हैं कि कैसे आपके लाइफ में आपने सक्सेस पाया है, और वो सभी के लिए, हम सब के लिए कितना मोटिवेशन देता है। सो वर्ल्ड मोटिवेशंस जो मैगजीन है, ई मैगजीन, उसमें आज मैं आप लोगों को मिलाने वाली हूँ बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा एक्टिव, एंड यस, जिसकी हम सबको जरूरत है। ऐसे वो काम जो कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाली हूँ कि वो एग्जैक्टली करते क्या है। वो हमें सुकून दिलाना जानते हैं कि हम लोग दिन भर बस भाग दौड़ करते रहते हैं, हमें खुद के लिए टाइम नहीं होता है। हम लोगों के गोल्स इतने बड़े होते हैं कि वो अचीव करने के पीछे हम लोग बस भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। एंड द वन ऑफ बेस्ट, रौनक गज्जर सर आज मेरे साथ है, जिन्हें पूरा 11 साल का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है। और सबसे बेस्ट, जो लास्ट 2-3 साल में हमने बेयर किया है, कोविड के वजह से मेंटल स्ट्रेस बेयर किया है, पीसनेस हम लोग भूल चुके हैं, फैमिली का प्रेशर हमारे ऊपर है, जॉब का प्रेशर है, बिजनेस का प्रेशर है, काफी सारी चीजें हमने मिस की है और मिस होने के ब्राइट चांसेस भी लग रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे रौनक ने जो काम शुरू किया है वो बहुत अमेजिंग काम शुरू किया है। उन्होंने शुरू किया है कोविड ट्रेडर्स, ऐसे इन्होंने एक, उसे मैं बोलूंगी कि बहुत बेस्ट सोशल वर्क। मैं रौनक का हमेशा देखते रहती हूँ कि ऑलवेज रौनक इतनी सारी चीजें, दोनों पहले तो मुझे बताओ इतनी सारी चीजें कर कैसे लेते हो? राइट, थैंक यू सो मच शीतल जी. आपने इतना प्यारा सा इंट्रोडक्शन दिया है. सो मैं कैसे कर लेता हूँ, लेट्स लेट्स कम टू दैट फर्स्ट. के है ना, मेडिटेशन जब आप शुरू करते हैं या ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो आपके माइंड के कंपार्टमेंट्स होते हैं. अगर आप खाना खा रहे हैं तो पूरा फोकस के साथ आप खाना खाएं ताकि वेट गेन ना हो, स्ट्रेस ना आए, अब इनडाइजेशन या डाइजेशन के प्रॉब्लम्स ना हो जाए. वैसे ही ट्रेडिंग एक है कि आप पूरे फोकस के साथ ट्रेडिंग करें. मार्केट क्या मांगता है आपसे, सिर्फ 2 या 3 घंटे का फोकस मांगता है. उतना आप अगर दे सकते हैं तो आप जनरेशन की वेल्थ बना सकते हैं. सो सिमिलरली लास्ट 2 साल में जो कोविड ने हमारे पूरे लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, गैजेट्स, चार चार गैजेट्स अभी हमारे पास नॉर्मली पड़े रहते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस भी आती है. हम कंटेंट भी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं. आई कीप टेलिंग माय स्टूडेंट्स के है ना, आप नेगेटिव कंटेंट मत कंज्यूम करें, नेगेटिव न्यूज ना देखें. इसका मतलब ये नहीं है कि आप भागें, बट पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा अपना फोकस रखें ताकि आप ज्यादा पॉजिटिव एब्जॉर्ब कर पाए. तो माइंड में कंपार्टमेंट है, यू कैन स्विच. आप स्विच कर सकते हैं कि अब ट्रेडिंग पे फोकस करना है, फिर शाम को पढ़े. तो मैं मेडिटेशन जो पर्सनल सेशंस देता हूँ सिर्फ एंटरप्रेनर्स, आप एंटरप्रेनर है, आप अपना इतना अच्छा बिजनेस संभाल रहे हैं, ट्रेडिंग का, लाइफस्टाइल कोचिंग का, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग का, सो एंटरप्रेनर्स और सीईओ के लिए ही मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ. क्यों? क्योंकि वही लोग हैं जो अपने दिन को बहुत प्रोडक्टिवली यूज कर पाते हैं. राइट, बाकी सारे लोग हैं 9 to 5 जॉब करते हैं, 1 बजे टाइम हो गया खाने का, शाम को 8 बजे हो गया डिनर का, दे फॉलो द क्लॉक. आई राइट एग्री रोहन, थैंक यू कि आज आपने ई मैगजीन के लिए स्पेशली टाइम निकाला है। सो रोहन, ये जर्नी कैसे शुरू हुई? रोनक, सॉरी रोनक, ये जर्नी कैसे नो शुरू हुई? कहाँ से आपको लगा वरीज. कि इन सारी चीजों की जरूरत है? राइट, तो ये जर्नी हुई है शुरू जब मैं 2 साल के एज का था. तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक स्पिरिचुअल आश्रम लेके गए, शिरडी के पास है. एंड वहां पे हम मैंने जैसे कि यूजुअली बहुत लोगों को, हमारे रीडर्स और व्यूअर्स को पता होगा, एक नाम दीक्षा या मंत्र दीक्षा दी जाती है एक गुरु अपने शिष्य को. तो मुझे 2 साल की उम्र में वो दीक्षा मिली थी एक गुरु जी से. ठीक है, एंड 2 साल के बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता है ऑब्वियसली. तो मेरे पेरेंट्स काफी स्पिरिचुअल हैं एंड हम फिर मंथली बेसिस पे वहां जाने लगे, मेडिटेशन करने लगे. जैसे आज लोग विपासना जाते हैं हर 2 महीने, 6 महीने, साल में एक बार, हम हर महीने वहां पे मेडिटेशन के लिए, प्रोग्राम के लिए जाते थे. वैसा करते करते 2 साल से लेके 18 साल की उम्र तक वो रेगुलर मेडिटेशन चलता रहा मेरा. एंड जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, मेरे पेरेंट्स ने बोला, अब आप कमाने के योग्य हो गए हैं, लायक हो गए, टेक सम मनी, स्पेंड करें मेडिटे. और वो मेडिटेशन आश्रम में स्विच हो गए, रहने के लिए चले गए. और
उनको 14 इयर्स हो गया है मेडिटेशन करते हुए 2006 के आसपास से. सो मुझे वो इंटरेस्ट आया. मैं पहले कॉर्पोरेट जॉब में था, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मैंने काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ आईटी में काम किया है. बट 4 साल आईटी में कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद मुझे समझ आया कि मैं 40 साल का हो जाऊं तो मुझे कंप्यूटर के सामने सिर नहीं फोड़ना है, राइट? किसी किसी का वो होता है माइंडसेट. मेरा जॉब का माइंडसेट या एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं था. तो मैं अपना खुद का एक्सप्लोरेशन में चला गया, मेडिटेशन सीखा, योगा सीखा, वेट लॉस सीखा, प्राणायाम, हीलिंग सीखी. फिर मुझे पता चला मेडिटेशन एंड हीलिंग एंड ट्रेडिंग इज माय लाइफस्टाइल एंड ये मेरे को बहुत पसंद है. आपको वही करना चाहिए जो आपके दिल को पसंद है, राइट? वैसा यस बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए, क्योंकि एज अ शेयर ट्रेडर मैं भी देखती हूँ बहुत सारे लोगों से. मैं बात करती हूँ एज अ स्टॉक ट्रेडर, जब मैं बात करती हूँ तो काफी सारे लोग मुझे एक ही बात बोलते हैं कि जिससे लाइक एंट्री एग्जिट गलत हो जाती है और फिर ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है. तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि ट्रस्ट लेवल कम करने के लिए कितनी सारी चीजों की जरूरत है. रोनक, इन सारी जर्नी में कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि आपने अभी बोला कि आईटी का जॉब छोड़ के आपने प्रोफेशन टोटली चेंज किया. इट इज अमेजिंग थिंग. ये करना भी बहुत मुश्किल टास्क है. जैसे आपने वो 1 मिनट कैन चेंज योर लाइफ, आपने वो बुक पढ़ी है, तो उसी तरीके से कुछ आपकी स्टोरी भी मुझे लग रही है. कितना टाइम लगा ये सारे चैलेंजेस फेस करने के लिए? वेरी ऑनेस्टली आई एम लकी इस मामले में कि मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करता हूँ. और मैं ये भी कंसिडर करता हूँ कि मैं हसलर हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, राइट? तो कैसा हुआ कि राइट टाइम पे मुझे मेरी पार्टनर ने मुझे गाइड किया, मेरे को हेल्प किया. जब मैंने आईटी का कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा तब ऑलमोस्ट 50,000 to 70,000 वॉज माई पे. और वो छोड़ने के बाद जब मैं योगा में और मेडिटेशन में एंट्री किया तो मेरा पे था 2,000 rupees. सो वो 80-90% के ऊपर कम पे लेने का या सैलरी लेने का ये करेज एक तो आपके घर वाले दे सकते हैं, आपका पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर दे सकते हैं. और मेरे ज्यादा दोस्त नहीं रहे पहले से ही, बचपन से मेरे दोस्त नहीं रहे, क्योंकि स्पिरिचुअल माइंड रहता है तो लोगों को स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, राइट? तो फ्रेंड्स नहीं थे इतने, बट ये फैमिली और पार्टनर ने बहुत सपोर्ट किया. प्लस मुझे लगता है जब आप आंख बंद करते हो और मेडिटेशन शुरू करते हो, थोड़ा भी लगता है, पहले तो माइंड खाना टीवी कहाँ कहाँ घूमता है, बट थोड़ा जब ध्यान लगता है तो आपका इनर जीपीएस चालू हो जाता है, अंदर का नेविगेशन सिस्टम बोलता है ये सही है, ये कर लो. तो वो मुझे बार बार वही बोल रहा था कि है ना जॉब जाने दो थोड़ा. एंड मैंने बहुत डिफिकल्टी फेस की. 2000 की सैलरी पे मैंने कम से कम 6 मंथ्स निकाले. फिर मेरी इंग्लिश और मेरे आईटी के जो स्किल्स थे, एक्सेल और बाकी सारे डेटा मैनेजमेंट का, उसके वजह से मेरा सैलरी 10,000 हो गया विद इन फर्स्ट 6 मंथ. मतलब 2,000 से 10,000 की जर्नी 6 महीने, फिर 10,000 to 1 lakh विद इन 1 ईयर. तो जो आईटी में मैं काम करता था उससे डबल सैलरी हो गई. बट मुझे 1 से 2 साल लगे वो जर्नी में थोड़ा स्ट्रगल करने के लिए. एंड वो पीरियड में बहुत बार ऐसा लगा कि मैं गिव अप कर दूं या मैं छोड़ दूं. क्यों सिखाना है लोगों को? नो, बाबाज में ज्यादा इंटरेस्ट है, गुरु ऐसे बड़े बड़े दाढ़ी अगर कपड़े पहने तो इंटरेस्ट है, बट योगा अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए किसी को इंटरेस्ट नहीं है. तो ऐसी सारी चैलेंजेस आई, लेकिन जब मेरे गुरु ने मुझे गाइड किया कि ये सारी चैलेंजेस के थोड़े थोड़े टाइम आप झेल लो, क्योंकि योग और ध्यान आपका पैशन रहता है ना, आपको बड़ा बनाता है, आपका काम आपको बड़ा बनाता है. वो 2 साल किया and it worked out very beautifully. बहुत अच्छा चला, right? Great. आपके business के बारे में काफी सारी चीजें आपने मुझे बता दी. आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग है रौनक. आपका एज क्या है? आई नो एज नहीं पूछना चाहिए, बट आपने अभी अपग्रेडेड सैलरी आपने आपकी बता दी, तो एज भी बता दीजिए कि इतने कम एज में ऐसे अचीव करना कैसे पॉसिबल है. इस पे बिलीव करना सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट है. सो ये बहुत, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत मामलों में लकी हूँ. मेरे पेरेंट्स स्पिरिचुअल थे तो मैं लकी हूँ कि स्पिरिचुअलिटी बचपन से इंजेक्शन, मतलब प्रेम से पढ़ाई गई. ऐसा नहीं कि आपको यहीं जाना है वहां जाना है. तो मेरी एज है 34, राइट? एंड मैं, योगा ने मुझे और यंग बना दिया है. मुझे लगता है योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम आपका स्ट्रेस कम कर देती है. बट
मैं सभी को जो मेरे क्लाइंट्स या मेरे स्टूडेंट्स या मुझे कोई पूछता है कि आपकी एज क्या है, तो मैं बोलता हूँ 200 ईयर्स, क्योंकि इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, इतने सारे आश्रम घूमे, इतने सारे गुरुओं को मिले, जो विजडम मिलता है ना उनसे, जो नॉलेज मिलती है, और वो अपने लाइफ में जब अप्लाई होता है तब पता चलता है कि अरे आप तो दोस्त, आपने ये पहले कभी किया होगा, ये जन्म नहीं तो पिछले जन्म में किया होगा। ग्रेट ग्रेट रोनक, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉक ये हो रहा है आपका. मतलब लाइक इतना एक्सपीरियंस, दिस अमेजिंग. मुझे भी छोटी मोटी टिप्स वेट लॉस के लिए पक्का दे देना, क्योंकि मैं रात में सो नहीं पाती हूँ. बहुत ज्यादा हेवी वर्क होता है. जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे भी, मेरी फैमिली कभी कभार बोल देती है कि क्यों ना ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के बैठ जाएगी तो लाइक बाबा लगेगी या फिर देवी माँ लगेगी. बट नहीं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब मैं काफी सारे प्रॉब्लम्स लोगों के सुनती हूँ, काफी सारे चैलेंजेस है मतलब लोगों के पास, तो जब उनको हम लोग बताते हैं कि नहीं आप इस तरीके से वे ढूंढो, इस प्लैनेट को खुश करो, तो यस डेफिनेटली उनमें वो फर्क दिखना शुरू हो जाता है. और सबसे बेस्ट मेरा काम होता है फॉर द डोनेशन और मेंटल पीस के लिए. डेफिनेटली अब आपका नंबर मैं फॉरवर्ड करने वाली हूँ. व्हाट इज योर फॉर फ्यूचर श्योर। प्लान रौनक? फ्यूचर प्लान इज, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड मैं खुद अमेज्ड हूं क्योंकि ये आपका जो कॉम्बिनेशन है, बिफोर आई टेल अबाउट माय फ्यूचर प्लान, आपका जो कॉम्बिनेशन है, मैंने मैंने पिछले 2 साल के कोविड ट्रेडिंग में कितने सारे ट्रेडर्स से बात किया और कितने ट्रेनर्स से बात किया, आपका वन ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन है जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पढ़ के आप ट्रेडिंग साथ में पढ़ाते हैं, मींस लोगों का नक्षत्र देखते कि बॉस आपके लिए ये सही है रास्ता, लोग घुस जाते हैं ट्रेडिंग में कि बस पैसे बना लूंगा, ऐसा नहीं होता है, उनको पूरा अपना हेल्थ और नक्षत्र गाइडेंस एक कोच के साथ है। तो आप वो स्पिरिचुअल और पैसे का जो बैलेंस है उस जगह पे खड़े हैं। तो हाँ, कभी कभी लगता है हमें ऑरेंज कपड़े पहन लेने चाहिए, ज्यादा डोनेशन या ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन ऑब्वियसली जब दुनिया को पता चलती है ना कि आपका वैल्यू क्या है, तो वो लाइन लगा लेते हैं, वो लाइन लगा लेते हैं। सो दैट्स रियली गुड, यू आर डूइंग एक्सेलेंट। एंड मेरे फ्यूचर प्लान्स, वेरी ऑनेस्टली, मैं भी एक जो मेरे इंटरनेट के टीचर है योगेश सर, उनके साथ मैं गाइडेंस ले रहा हूँ, एंड मैंने कुछ 4-5 कोर्सेज रिकॉर्ड कर लिए हैं मेरे, एंड मैं फ्यूचर में मेडिटेशन फॉर ट्रेडर्स, मेडिटेशन फॉर नो डिफरेंट प्रोफेशंस, एंड सबसे बड़ी बात, मैं चक्रास पे बुक लिख चुका हूँ, जो मेरे ये साल के अंदर मेरी बुक लॉन्च होने वाली है चक्रास पे। उसके बाद है दूसरा है, मिनिमम मेरे अभी 4 कोर्सेज है और 4 कोर्सेज बिफोर जुलाई, मेरा बर्थडे जुलाई में है, तो जुलाई के पहले और 4 कोर्सेज, तो 8 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन, एक बुक लॉन्च होगी, एंड फिर आगे ऊपर वाले या नक्षत्र गाइड करेंगे, आप गाइड करेंगे कि कैसे मोल्ड करना है जर्नी को। यस ग्रेट ग्रेट रोनक. जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, मतलब मेडिटेशन की तो हर एक के लिए जरूरत होती है. पहले ऐसे था ना कि रिटायरमेंट के बाद मेडिटेशन की जरूरत थी, अब ऐसे नहीं रहा. अब मेडिटेशन के लिए कोई एज नहीं रही. हर एक बंदा, मतलब आपने इकिगाई अभी रिसेंटली पढ़ी होगी, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा एग्जैक्ट गोल क्या है, हमें करना क्या है, हमें रुकना कहाँ है. तो इस सभी के लिए आई नो, मैं भी इगतपुरी जाती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ वंस इन अ ईयर. जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं जाती हूँ मेडिटेशन के लिए. वहां पे वन ऑफ माय फेवरेट टास्क होता है जो मैं मोबाइल से दूर रहती हूँ, स्पेशली जैसे आपने बोला कि चार चार गैजेट्स होते हैं. सो रोन, यंगस्टर्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरत है. काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है. काफी सारे यंगस्टर्स से मैं आए दिन बात करती हूँ तो काफी डिप्रेशन वो फील करते हैं. एडमिशन नहीं हो रही है, पेरेंट्स टॉर्चर कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टॉर्चर कर रहा है, फैमिली लाइफ ठीक नहीं चल रही है. सो इन सब करेक्ट। के लिए एज ए एंटरप्रेनर आप क्या सलाह दोगे? सो अगेन एक्सीलेंट क्वेश्चन शीतल जी, ये है ना, मैं हमारा पर्पस, जैसे कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं एंटरप्रेन्योर्स में, हम स्पिरिचुअल जो काम करते हैं और मनी मटेरियल और स्पिरिचुअल का बैलेंस जो काम करते हैं, उनमें मेरा बहुत सारे गोल्स अचीव हो गए। मेरा टॉप गोल अभी कैसा है, कंट्रीब्यूशन का है, तो क्योंकि अभी हम कंट्रीब्यूटर बन गए, हम हमारा तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अभी लोगों की मदद करना चाहते, तो यंगस्टर्स स्पेसिफिकली, देखो मेडिटेशन मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके ही बैठे रहो और माइंड को जीरो कर दो, ब्लैंक कर दो, ये गलत
नहीं है, वो भी सही है, लेकिन वो एक एज के बाद या प्रैक्टिस के बाद आता है। आप वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते हो। तो यंगस्टर्स के लिए क्या कहूंगा मैं, आप कोई भी एक योगा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, तो आपका जब योगा होगा बॉडी में, तो सूर्य नमस्कार करेंगे वगैरह, सारे आसन करेंगे, तो योगा अंदर जाएगा, पहला। दूसरा मैं कहूंगा जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? डांस एज अ मेडिटेशन बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। अब आपको कोई क्लबिंग, जब यंगस्टर्स, जब यंग जो सुन रहे हैं हमारे, क्लबिंग करना जरूरी नहीं है, अल्कोहल या वो सब में जाना जरूरी नहीं, वो भी करें, लेकिन मेजर आप जुम्बा क्लास करें, तो आप डांसिंग भी कर रहे हैं, आपका मेडिटेशन भी हो रहा है, आपका यू नो बॉडी फैट भी बर्न हो रहा है, आप कुछ भी खा रहे हो वो भी ठीक हो रहा है। तो डांसिंग मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन है, उसके बाद प्राणायाम सीखे कोई, अगर आपको स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट है, कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, जय जैसे कि पॉडकास्ट में जय शेट्टी हो गए, या फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको फॉलो करें, मुझे फॉलो करें, ताकि लोगों को वो गाइडेंस मिले। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कंसिस्टेंटली आज किया, आज कोई योगा क्लास किया, फिर 4 महीने बाद योगा क्लास किया, तो भूल जाइए, फिर तो नहीं होने वाला है। तो यंगस्टर्स के लिए कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, कोई क्लासेस में पकड़ ले, कोई ग्रुप कोचिंग पकड़ ले, ताकि उनका बेनिफिट हो लॉन्ग टर्म। थैंक यू रौनक, एक्चुअली ये यंगस्टर्स के लिए नहीं, ये सभी एज के लिए आपने सलाह दी है, ऐसे मैं बोलूंगी। मतलब अगर मैं आपको फटाफट 5 टिप्स बोलूं मेडिटेशन या फिर लाइक जैसे अपने वेट लॉस, सभी के लिए वेट लॉस अभी बहुत मतलब हाई लेवल का चैलेंज हो गया है कि कैसे वेट लॉस करें। मतलब मुझे पूछोगे तो अभी भी मैं 2 बच्चों की माँ नहीं लगती हूँ, बट ऐसे ही मुझे मेंटेन करके रखना है। तो ऐसे कुछ फटाफट 5 टिप्स, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स है, कभी कभार साइकोलॉजी बीमारी हो जाती है, स्टमक पेन हो जाता है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे अगर आपको इमीडिएट मुझे 5 सॉल्यूशन देने हैं तो क्या दोगे? तो दैट्स अगेन एन एक्सेलेंट क्वेश्चन। तो पहला टिप ये है कि आप शुरुआत करें प्राणायाम से। प्राणायाम इज द इम्पोर्टेंट की, इसमें आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं, या सिर्फ सिंपल 5 मिनट 2 मिनट कपाल भाती कर सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सब कर सकते हैं। तो प्राणायाम से शुरू करें। दूसरा, अपने अफर्मेशन लिखने के पहले अपना गोल लिखे, 3 महीने का गोल, 6 महीने के गोल और 1 साल के गोल, कि आप 3 महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं, 6 महीने में क्या और 1 साल में क्या, ये दूसरा आपका टिप हो गया। तीसरा, वेट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतना पावरफुल है कि आप महीने में 3 से 4 किलो वजन कम कर सकते हैं। 99% के लोग जंक खाते हैं वीकेंड को। अगर आप दुबई, पहले दुबई में फ्राइडे को हॉलिडे था, लेकिन अभी सैटरडे संडे हो गया, पूरे वर्ल्ड में सैटरडे संडे हॉलिडे है, सैटरडे संडे सबसे ज्यादा जंक खाया जाता है, तो आप फ्राइडे को उपवास रखें। उपवास मतलब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग रख सकते हैं, सुबह को ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, लंच खाएंगे और डिनर खाएंगे, या फ्राइडे को पूरा दिन फ्रूट्स खाएं, गर्मी का सीजन है, पूरा दिन फ्रूट्स खाएं, सूप पिए, सैलेड पिए, खाली महीने में। तो अगर हम बॉडी को कैसे आराम देते हैं, सो के आराम देते हैं, राइट, बट स्टमक को आराम कोई नहीं देता है, ये कोई नहीं, कोई डाइटिशियन नहीं बताएगा, कोई भी आपको दुनिया में नहीं बताएगा कि स्टमक को भी आराम देना जरूरी है। स्टमक एक इंजन है, हमारा बॉडी इतना पावरफुल मैकेनिज्म है, और स्टमक के इंजन को कोई ब्रेक ही नहीं देता है, तो फ्राइडे इसको ब्रेक दे सकते हैं। टिप नंबर 3। टिप नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप कोई भी धर्म में मानते हो, डजंट मैटर, आप अपने पेरेंट्स से एक बार बात करें और पूछिए कि कौन सा स्पिरिचुअल चैंटिंग मैं सुन सकती हूं या सुन सकता हूं। कोई मंत्र जो आप सुनते हैं, जैसे कि हम नक्षत्र को शांत करने के लिए बीज मंत्र करते हैं, चक्रास को शांत करने के लिए कोई बीज मंत्र करते हैं, या सिंपल ओम चैंटिंग करते हैं, तो वो चैंटिंग दिन में आप कर नहीं पाते हैं, तो सुने, मेंटली आपके वाइब्रेशन वैसे पॉजिटिव और ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। दैट इज टिप नंबर 4। आखिरी टिप, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, इंसान अपना कितना बोलते हैं, 1/4 हिस्सा अपने लाइफ का सोते हुए निकालता है। मतलब ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने नींद को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाया है। बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल है, नींद में ठीक होता है। कुछ थक गए हो, सो जाओ, कुछ बुखार आ गया, सो जाओ, बॉडी को रेस्ट दो, एक्सरसाइज ज्यादा कर ली, रेस्ट करो, सो जाओ। सोना, टाइम पे सोना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आजकल नेटफ्लिक्स और गैजेट के चक्कर में
हम 2 बजे 3 बजे तक यंगस्टर्स से एडल्ट सब सोते लेट है, राइट। तो आप एक टाइम बना ले, नियम बना ले, 10 बजे से 12 के अंदर सो जाऊंगा एंड सुबह 6 बजे मैक्सिमम 7 o'clock बिफोर सनराइज उठना है आपको, एंड इट विल हेल्प अ लॉट। रौनक, यानी मुझे इन सब चीजों की जरूरत थी, ये मैं समझ गई हूँ। जितना ये वीडियो शेयर होने वाला है, मेरे हिसाब से ये सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपने दिया है। स्पेशली आई लव वेट लॉस वाली टिप, तो एज ऑलवेज आपको पता है आई एम नंबर 2 और यू आर नंबर 7, तो हम लोग फूडी होते हैं। खाना हमें बहुत पसंद आता है और हर जगह घूम के वहां का टेस्ट करना बहुत पसंद है। तो ट्रैवल के पहले डेफिनेटली मैं उपवास करने वाली हूँ, और जो भी मेरे सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे पूछते रहते हैं कि हमें हफ्ते में एक दिन ऐसे बता कि हम लोग शनिवार का उपवास कर ले क्या, शुक्रवार का उपवास कर ले क्या, तो ये डेफिनेटली ये टिप्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी, तो उनका डाइट प्लस स्पिरिचुअल दोनों काम होने वाला है। सो थैंक यू सो मच रौनक। आज इतनी हम लोग उसे हिंदी में बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है कि सटीक सटीक टिप्स आज आपने हमें दी राइट, है, जिससे हम थैंक लोग यू। जैसे जैसे सारे लोग फॉलो करेंगे सबको होने वाला है, और सारे लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे रौनक, तो हम लोग आपको कांटेक्ट कैसे करें? श्योर। मेरी वेबसाइट है रौनकगज्जर.com। मैं आपको लिंक भी भेजूंगा, मेरा फोन नंबर, इंस्टाग्राम। मैं सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ क्योंकि यंगस्टर्स को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, और मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहता हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे क्लाइंट्स एंटरप्रेन्योर्स एंड सीईओ है। सो ये दो जगह मेरे काफी एक्टिव रहता हूँ। एंड यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे प्राणायाम हीलिंग के वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, तो मैं सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड करूंगा। डेफिनेटली इट विल हेल्प अ लॉट, बिकॉज हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारा काम है अभी कॉन्ट्रीब्यूशन का। स्टूडेंट्स आए नहीं आए, अगर वो वीडियो देख के कुछ सीख पाए, दो भी टिप, तो उनकी लाइफ में वो चेंज आना चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक सो यू सो मच। थैंक यू सो मच रौनक, आपकी सक्सेस स्टोरी, आपके चैलेंजेस, और यस आपने जो टिप्स दी है डेफिनेटली हम लोग इसे फॉलो करने वाले हैं। और जल्द राइट, ही मैं आपसे मिलने वाली हूँ, और आपसे भी मैं ऑनलाइन फॉर कोचिंग श्योर, तो मेरा चल ही रहा है आपके साथ। स्पेशली मुझे राइट, आपकी म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छी लगी है, जिस दिन से मैंने आपकी वो कोर्स की है, तो मैं फ्लूट वाली सॉन्ग और लाइक वो जो लद्दाख वाला था मैं भी लेके आई करेक्ट, थी, ये वाला, ये मैं वाह फॉलो करना शुरू वाह, कर दिया है। मैं इससे काफी सारी निगेटिविटी कम हो जाती है। सो थैंक यू सो करेक्ट, मच, जल्दी हम लोग मिलते वेलकम, हैं। थैंक थैंक यू। यू।